हाई किड्स स्टैंडर्ड वन वैल्यू एजुकेशन मत मीन्स मोरल साइंस टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 12 चैप्टर 4 अ गुड नेबर रेडी अ गुड नेबर मतलब पड़ोसी अच्छा हमारे पड़ोस में जो भी रहते हैं हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए अगर किसी को कुछ ज़रूरत है तो उसे हेल्प करनी चाहिए गुड नेबर्स हेल्प ईच अदर सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए यू आर टायर्ड एंड हंग्री आप थक गए हो और आपको भूख लगी है यू गेट ऑफ योर स्कूल बस योर मम्मी इज़ वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप आप स्कूल बस से आए और आपकी मम्मी आपके लिए वेट कर रही थी बस स्टॉप पे योर नेबर इज स्टैंडिंग देयर अलोन आपका नेबर वहाँ पे अकेला खड़ा था नो वन हैज कम टू पिक हिम अप फ्रॉम होम उसे वहाँ पे कोई लेने नहीं आया था एवरी वन वॉक्स अवे ही इज स्कैर्ड सब वहाँ से चले गए और वो डर रहा था व्हाट विल यू डू तो आप क्या करेंगे होल्ड मम्मीज हैंड एंड वॉक अवे आप अपनी मम्मी का हाथ पकड़ेंगे और चले जाएंगे या फिर टेल मम्मी टू वेट विथ हिम टिल समवन कम्स या फिर आपको आप मम्मी को बोलेंगे कि आप थोड़ी देर वेट करेंगे जब तक उसे कोई लेने ना आ जाए तो यहाँ पे आपको सेकंड वाले में टिक करना है तो ऐसे हमें सबकी मदद करनी चाहिए रीड दिस स्टोरी टू नो व्हाट हैरी डज टू हेल्प हिज नेबर ये स्टोरी है कैसे हैरी ने अपने नेबर की मदद की हेल्प की हेल्पफुल नेबर मदद करते हैं ऐसे पड़ोसी हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए पड़ोसियों को सहारा देना चाहिए हैरी इज करीनाज न्यू नेबर जो हैरी है वो करीना का नया नेबर है नया पड़ोसी है शायद अभी अभी शिफ्ट हुआ होगा वो नया नया रहने आया है तो वो नया पड़ोसी है वन डे करीना कम्स होम फ्रॉम स्कूल एक दिन करीना अपने स्कूल से घर आती है हर हाउस इज लॉक उसका घर बंद था लॉक था देर इज नो वन एट होम कोई भी घर पे नहीं था रेगुलरली ऐसा होता नहीं है उसकी मम्मी घर पे ही होती है लेकिन पता नहीं आज क्या हुआ उसका घर लॉक था कोई घर पे नहीं था सी इज टायर्ड एंड हंग्री वो थक गई थी और उसे भूख भी लगी थी हम स्कूल से घर जाते हैं तो थके हुए होते हैं ना इतना सारा खेला हुआ होता है इतना सारा पढ़ा हुआ होता है तो हम थक गए होते हैं हमें भूख भी लगी हुई होती है वैसे करीना भी थक गई थी उसे भी भूख लगी थी हैरी सीज करीना हैरी ने करीना को देखा कि वो घर के बाहर खड़ी है घर लॉक है और बेचारी थक गई है और उसे भूख भी लगी है ही आस्क्स करीना उसने करीना को बोला व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो इज़ आंटी नॉट एट होम क्या आंटी घर पे नहीं है तुम्हारी मम्मी घर पे नहीं है करीना करीना सेज नो शी इज़न्ट करीना ने बोला ना नहीं है पता नहीं मेरी मम्मी कहाँ चली गई आई एम वरीड मुझे चिंता हो रही है सी इज़ ऑलवेज एट होम वेन आई कम बैक फ्रॉम स्कूल मैं जब भी स्कूल से घर आती हूँ वो हमेशा ही घर पे रहती है लेकिन मुझे चिंता हो रही है आज वो घर पे क्यों नहीं है कहाँ गई होगी हैरी सेज डोंट वरी करीना कम टू माई हाउस हैरी ने बोला अरे चिंता मत करो करीना तुम मेरे घर पे आ जाओ मैं यहीं बाजू में ही रहता हूँ चले आओ यहाँ पे नेक्स्ट पेज दे गो इन दोनों साथ में हैरी के घर पे चले गए हैरी टेल्स हिज मदर एवरीथिंग हैरी ने अपनी मम्मी को सब कुछ बताया कि करीना स्कूल से आई है उसकी मम्मी घर पे नहीं है घर बंद है वो थकी हुई है उसे भूख लगी है जो भी कुछ बात हुई हैरी और करीना में सब कुछ हैरी ने उसकी मम्मी को बताया सी क्विकली कॉल्स अप करीनास मदर हैरी की मम्मी ने फट से करीना की मम्मी को फ़ोन लगाया सी सेज आई एम स्टक इन अ ट्रैफिक जैम जैसे ही फ़ोन उठाया करीना की मम्मी ने वैसे ही उसने आंसर किया कि मैं ट्रैफिक में फंस गई हूँ आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक मुझे पता नहीं ट्रैफिक क्लियर होने में कितना वक्त लगेगा अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो कितना ट्रैफिक होता है आजकल नहीं
तो करीना की मम्मी भी ट्रैफिक में फंस गई है और उसे पता नहीं है कि उन्हें कितना टाइम लगेगा घर पर आने में। आई एम वरीड अबाउट करीना। मुझे करीना की चिंता हो रही है। उसकी मम्मी ने क्या बोला करीना की मम्मी ने कि मुझे करीना की चिंता हो रही है, मुझे पता नहीं आने में कितना वक्त लग जाए। वो थकी हुई होगी, उसे भूख लगी होगी, मैं घर पे नहीं हूँ, बेचारी डर रही होगी, तो मुझे करीना की चिंता हो रही है। हैरीज मदर सेज, हैरी की मम्मी ने क्या बोला, डू नॉट वरी, अरे चिंता मत कीजिए, करीना विल स्टे विथ अस टिल यू कम, जब तक आप आएंगी तब तक करीना हमारे साथ हमारे घर पे ही रहेगी। उसने करीना की मम्मी को ऐसा बोला। हैरी एंड हिज मदर सर्व लंच टू करीना। हैरी और उसकी मम्मी ने करीना को कुछ खाने के लिए दिया, लंच सर्व किया। दे लुक आफ्टर हर वेरी वेल। उन दोनों ने करीना का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, उसे भूख लगी थी तो खाना खिलाया, पानी पानी पिलाया, उसे अपने घर में आने दिया, उसकी मदद की। करीनाज मदर कम्स बैक आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर के बाद करीना की मम्मी भी वापस आ गई। शी थैंक्स हैरी एंड हिज मदर। करीना की मम्मी ने हैरी और हैरी की मम्मी का शुक्रिया किया, थैंक यू बोला कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं घर पे नहीं थी तो आपने करीना का ख्याल रखा। फ्रॉम दैट डे, उसी दिन से दे बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स। उसी दिन से वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। तो क्या सीखा हमने? अपने पड़ोसियों की या फिर हमारे आसपास जो भी लोग हैं, अगर वो कोई मुसीबत में है, उन्हें कोई परेशानी है, तो हम उनकी मदद करेंगे, है ना, उनसे दोस्ती करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। चलिए अब है एक्सरसाइज, ये आपको अभी फील नहीं करना है, मैं आपको समझा दूंगी, आपको होमवर्क में खुद से करना है, ओके। चलिए, सर्कल द करेक्ट आंसर, जो सही है उसके ऊपर सर्कल बनाना है। हैरी इज करीनाज न्यू। हैरी करीना का कौन है, टीचर या नेबर? नेबर, तो नेबर के ऊपर राउंड करना है, सर्कल बनाना है। हैरी टेक्स करीना टू हीज हाउस और स्कूल। हैरी करीना को कहाँ ले गया, घर पे कि स्कूल पे? घर पे, तो हाउस के ऊपर सर्कल बनाना है। करीनाज मदर और फादर इज स्टक इन अ ट्रैफिक जैम। कौन ट्रैफिक में फंसा था, मम्मी या पापा? तो मदर, तो मदर पे आपको सर्कल बनाना है। हैरी एंड हिज मदर सर्व बिग नथिंग और लंच टू करीना। करीना को क्या परोसा, लंच, तो लंच के ऊपर आपको सर्कल बनाना है। हैरी इज अ गुड और बैड नेबर। हैरी कैसा नेबर था, गुड, तो आपको गुड पे सर्कल बनाना है। चलिए आगे, रीड द पोयम, आपको रीड करना है। गोलू एंड मी, ये गोलू है और ये मैं हूँ। गोलू इज माई नेबर। गोलू कौन है, मेरा नेबर है, मेरा पड़ोसी है। ही लिव्स नेक्स्ट डोर, मेरे बाजू में ही रहता है। टॉल एंड राउंड, वो लंबा है और थोड़ा मोटा है। ही इज फॉर श्योर, वी ऑलवेज प्ले टूगेदर, लेकिन वो बहुत ही अच्छा है और हम दोनों साथ में हमेशा खेलते हैं। वी शेयर जोक्स एंड स्नैक्स, हम साथ में जोक्स करते हैं और खाना भी खाते हैं, नाश्ता भी करते हैं साथ में। वी गो टू डिफरेंट स्कूल्स, हम दोनों अलग अलग स्कूल में जाते हैं। विद द सेम ब्लू बैग, लेकिन हमारी बैग्स कैसी है, सेम ब्लू कलर की। गोलू इज माई नेबर, ही लिव्स नेक्स्ट डोर, टॉल एंड राउंड, ही इज फॉर श्योर, वी ऑलवेज प्ले टूगेदर, वी शेयर जोक्स एंड स्नैक्स, वी गो टू डिफरेंट स्कूल्स विद द सेम ब्लू बैग्स, वी प्ले विथ अवर नेबर्स, हम अपने पड़ोसी के साथ खेलते हैं। वी शेयर थिंग्स विथ देम, हम उनके साथ चीज़ें भी शेयर करते हैं। वी हेल्प देम व्हेन दे नीड अस, जब उनको हमारी ज़रूरत होती है तब हम उनकी हेल्प भी करते हैं। आर द पोएट एंड गोलू गुड नेबर्स, क्या गोलू और पोएट दोनों अच्छे दोस्त है, अच्छे पड़ोसी है? हाँ, अच्छी बात है, एक दूसरे की मदद करना अच्छी बात होती है ना, अच्छे से साथ में खेलते हैं, बातें करते हैं, है कि नहीं, तो ये अच्छी बात है, वो दोनों अच्छे नेबर है।
आपको भी अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। चलिए टर्न अ पेज। मिस्टर एंड मिसिस सेठ आर कनिकाज नेबर। मिस्टर एंड मिसिस सेठ जो है वो कनिका के पड़ोसी है। दे आर वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़े हैं। देयर चिल्ड्रन लिव इन अमेरिका। मिस्टर और मिसिस सेठ के बच्चे अमेरिका में रहते हैं। वो दोनों बूढ़े हैं, अकेले रहते हैं यहाँ पे। दे लिव अलोन, अकेले रहते हैं, उनके बच्चे यहाँ पे नहीं हैं। हाउ कैन कनिका हेल्प देम। कनिका उनसे उनकी मदद कैसे करेगी। हाउ शी हेल्प्स देम। तो जो सही है उसके आगे टिक करना है। रीड स्टोरीज विद देम, उनके साथ कहानियाँ पढ़ेगी यार, सुना के बताएगी, तो ये करेगी, टिक करना है। वाटर देयर प्लांट्स, उनके पेड़ पौधों को पानी पिलाएगी, ये भी अच्छी बात है, यहाँ पे भी टिक करना है। राइट ऑन देयर वॉल्स, उनकी घर की दीवारों पे जाके लिख के आएगी, ये गलत बात है। नॉट मेक नॉइज व्हेन इट्स टाइम फॉर देम टू रेस्ट, उनका जब आराम करने का टाइम होता है तब वो चिल्लाएगी नहीं, ज़्यादा शोर नहीं करेगी, तो ये अच्छी बात है। प्ले लाउड म्यूजिक एंड डिस्टर्ब देम, बहुत बड़े बड़े आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से गाना या म्यूज़िक बजाएगी और उन्हें डिस्टर्ब करेगी, ये गलत बात है। प्ले गेम्स विद देम, उनके साथ खेलेगी, तो ये अच्छी बात है, टिक करना है। थ्रो गार्बेज इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस, उनके घर के सामने कचरा फेंकेगी, ये गलत है। हेल्प देम टू कैरी शॉपिंग बैग्स, अगर वो लोग शॉपिंग पे गए हैं तो उनकी बैग्स कैरी करने में उठाने में उनकी मदद करेगी, तो ये अच्छी बात है, तो यहाँ पे टिक करना है। व्हाट विल यू डू इन द गिवन सिचुएशन, मार्क अ टिक, आप क्या करेंगे, आपको टिक करना है। न्यू नेबर्स हैव कम नेक्स्ट टू योर हाउस, आपके बगल में नए पड़ोसी रहने आए हैं। व्हाट विल यू डू टू हेल्प देम, आप उनकी मदद कैसे करोगे। कैरी देयर बैग्स इन, लगेज अंदर लेने में, या फिर स्टैंड आउटसाइड एंड वॉच देम, या फिर आप दूर खड़े रह के देखोगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो कैरी देयर बैग्स इन, उनकी बैग्स अंदर लेने में मदद करेंगे, तो यहाँ पे आपको टिक करना है फर्स्ट पे। सेकंड, यू आर वॉकिंग इन द पार्क, आप पार्क में, बगीचे में, गार्डन में गए हो, वॉक कर रहे हो। यू मीट योर नेबर, आप अपने पड़ोसी से मिले, वो भी वहाँ पे आए हैं। व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे। इग्नोर हिम एंड वॉक अवे, आप उसे इग्नोर करके चले जाएंगे, या फिर स्माइल एंड ग्रीट हिम, या फिर उनसे स्माइल करके ग्रीटिंग विश करेंगे, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग जो भी है, तो विश करेंगे, तो यहाँ पे सेकंड पे टिक करना है। फिर थर्ड, यू आर प्लेइंग विथ योर फ्रेंड्स इन द पार्क, आप गार्डन में अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं। अ न्यू नेबर वॉन्ट्स टू जॉइन यू, नए पड़ोसी आपके साथ खेलना चाहते हैं। व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे। मेक हिम प्ले विथ यू, आप उन्हें अपने साथ खेलने देंगे, या फिर इग्नोर हिम, उसे इग्नोर करेंगे, तो अपने साथ खेल आएंगे, तो फर्स्ट पे टिक करना है। चलिए नेक्स्ट पेज। मिसिस ग्रेस इज अ गुड नेबर, मिसिस ग्रेस है वो अच्छी नेबर है। सी इज हेल्पिंग मिसिस सिंह टू कैरी द वेजिटेबल बैग्स, वो मिसिस सिंह की बैग कैरी करने में, उसे उठाने में उनकी मदद कर रही है। राइट डाउन फोर वेज, कोई भी चार बातें, विच यू कैन बी अ गुड नेबर, जो आपको अच्छे पड़ोसी दिखाने में मदद करे। ऐसी कौन सी चार बातें हैं जो आप अच्छी बातें अपने नेबर के साथ करेंगे। तो वी मस्ट हेल्प अवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। वी शैल ऑलवेज प्ले टूगेदर, हमें उनके साथ हमेशा साथ में खेलना चाहिए। We must share our things and snacks, हमें उनके साथ अपनी चीज़ें या फिर कुछ खाना पीना जो भी है हमें शेयर करना चाहिए। We should always behave good with our neighbor, हमें हमेशा उनसे अच्छे से पेश आना चाहिए, हमारा व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, है ना। आ गया आपको समझ में, आपने क्या सीखा अ गुड नेबर में से। तो हमेशा अपने पड़ोसियों की या फिर कोई भी हमारे आसपास है उनसे अच्छे से पेश आना चाहिए, उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। ओके, चलिए आपका होमवर्क पेज नंबर 13, 14 एंड 15, ये तीनों पेज आपको टेक्स्ट बुक में ही फिल करने हैं, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया वैसे आपको फिलअप करना है।
ओके थैंक यू।